सब्सक्राइब कीजिए आवाज नेशनल न्यूज और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारे न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धारावी में शिवसेना के दक्षिण मध्य मुंबई के महायुति के उम्मीदवार राहुल शिवाले अपने प्रचार के लिए पहुंचे, जहां ढोल तासों के साथ राहुल शिवाले का स्वागत किया गया। इस मौके पर शिवसेना उजर वाहतूक सेना और महायुति के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। ये देखकर विपक्ष जरूर एक बार कमजोर पड़ सकता है। दक्षिण मध्य मुंबई के उम्मीदवार राहुल शेवाले इन दिनों बड़े जोरों शोरों से अगर हम बात करें तो अपने प्रचार में लगे हुए हैं। ये धारावी का वो इलाका है जहां पर आज राहुल शेवाले पहुंचे हुए हैं। सर, सबसे पहले क्या कहेंगे, क्या विकास की बात लेकर लोगों के साथ आप मिल रहे हैं और क्या बातें रख रहे हैं? धारावी मेरी जन्मभूमि है, यहाँ पे प्रचार के दौरान लोगों का मुझे बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। सभी प्रांत, सभी भाषा, सभी धर्म, सभी समाज के लोग यहाँ पे शिवसेना भाजपा आरपीए के प्रत्याशी के नाते मेरे साथ जुटे हुए हैं। 5 साल में जो मैंने काम किया है उसमें लोगों का विश्वास है और लोग उस विश्वास को मानते हुए मुझे आशीर्वाद दे रहे, सहयोग दे रहे, तो जीत हमारी तो यहाँ पे पक्की है। और यहाँ पे शिवसेना भाजपा आरपीए को मानने वाले मतदार ज़्यादा होने की वजह से लोगों में उत्साह और आनंद ज़्यादा है। सर, जिस तरीके से एकनाथ गायकवाड़ जी, उन्होंने हर घर के बाहर एक लगाया कहाँ गया तेरा वादा, इस तरीके का प्रचार उन्होंने लोगों के दीवारों पर लगाया है, किस तरीके से जवाब राहुल शेवाले देंगे? नहीं, उन्होंने जो कहा क्या हुआ तेरा वादा जो लिया है वो GST और उसके बारे में लिया है, मेरे इंडिविजुअल बारे में लिया नहीं है। तो GST के बारे में धारावी का और GST का इशू अलग है। धारावी में जो लेदर इंडस्ट्री अलग है, ये वो GST के दायरे में पहले आती नहीं थी, अभी GST से सभी को रिलीफ मिला हुआ है। तो GST का यहाँ पे इशू नहीं है धारावी के लिए, धारावी का इशू है रीडेवलपमेंट का। दुर्भाग्य से उनको इशू ही पता नहीं, 35-40 साल से धारावी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको धारावी का इशू पता नहीं है। धारावी का रीडेवलपमेंट का जो प्रश्न है वो हम लोग ने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है और आने वाले में करेंगे। सर, और आपको विकास की बात अगर करें तो वो सबसे ज़्यादा जो है धारावी को लेकर मुंबई जैसे शहर में चलना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे? 60 साल कुछ किया नहीं लोगों को, वो राहुल के बहकावे में नहीं आएंगे, ये राहुल के ऊपर लोगों का विश्वास है। तो लोगों को धारावी में जन्म हुआ राहुल चाहिए, बाकी कोई राहुल नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, जन्म हुआ राहुल उन्हें इस बार चाहिए, केवल भौकाल भरने वाले लोग इस बार जनता को नहीं चाहिए। शिवसेना बीजेपी आरपीआई महायुति के उम्मीदवार राहुल शेवाले के लिए काफी जोरों से लोग यहां पर उनके पीछे लगे हुए हैं। अगर हम बात कहें तो यहां पर एकनाथ गायकवाड़ जो है कांग्रेस से उनके यहाँ पर अपोजिट में है, लेकिन बड़े जोरों से जो है राहुल शेवाले की रैली जो है धारावी के हर एक कोने में पहुंच रही है। औजर वाहतूक सेना के महासचिव इंद्रपाल सिंह मारवा जी भी हैं, उनकी भी टीम यहां पर पहुंची हुई है। सर, क्या कहेंगे राहुल शेवाले के लिए, कितने जोरों से आप लोग यहां पर वर्क कर रहे हैं? जो हमारे खासदार है राहुल शेवाले साहब, उनके लिए हमको जोर लगाने की जरूरत नहीं, जनता खुद उनके साथ है। जनता ने उनको एक टारगेट दे दिया, एक नाम दे दिया, स्मार्ट खासदार। जनता ने नाम दे दिया स्मार्ट खासदार, होशियार खासदार। जो राहुल शेवाले साहब ने 5 साल में किया है, गायकवाड़ ने वो 10 साल में भी नहीं कर पाया। और ये जो चीज़ है, गायकवाड़ जो है वो मिनिस्टर रह चुका है, आमदार रह चुका है, खासदार रह चुका है धारावी में, पर यहाँ धारावी का कोई विकास नहीं हुआ, पूरे दक्षिण मध्य मुंबई जिले का कोई विकास नहीं हुआ। जो विकास हुआ ये 5 सालों में हुआ। जो एकनाथ गायकवाड़ 30-40 साल से यहाँ पे है, पहला आमदार था, फिर उसकी लड़की अभी आमदार है, वो कुछ खासदार था, पर धारावी और पूरे दक्षिण मध्य जिले में कुछ हो नहीं पाया। जो 40 साल में एकनाथ गायकवाड़ नहीं कर सका वो 5 सालों में राहुल शेवाले साहब ने करके दिखाया है। और हमारे खासदार एक ऐसे हैं जो जनता के बीच में जुड़े हुए हैं, उनको कोई VIP वैसा नहीं है, उनका आम आदमी कोई भी पार्टी का आदमी जाए, वो एक स्थानिक खासदार के नाते सबका काम करते हैं। और वही एक खासियत है कि स्थानिक लोगों ने और खासकर जनता ने उनको स्मार्ट खासदार का नाम दिया है। तरीके से एकनाथ गायकवाड़ जी, उन्होंने धारावी के हर एक घर के बाहर पोस्टर चिपकाया है कि कहाँ गया तेरा वादा, इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर किया है प्रचार, खुद का भी किया है और विरोध भी जताया है। देखिए, ऐसा ना कि अगर पोस्टरबाजी से काम हो सकता है तो ये जरूर होता, काम करने से काम होता है। किसने कौन से वादे निभाए, किसने तोड़े, वो जनता साबित कर देगी। ये 29 अप्रैल को खासदार साहब ने लोकल लेवल पे काम किया है, जनता के साथ वो खड़े हैं। और जो काम इन्होंने 5 साल में किया, गायकवाड़ और कांग्रेस 40 साल नहीं कर सकी। गायकवाड़ अभी वही कर सकता है, जनता के दरवाजे का पोस्टर लगा सकता है, वो काम नहीं कर सकता है, उसकी भी उम्र भी नहीं काम करने की। हमारे खासदार स्मार्ट हैं, वो काम करते हैं,
लोगों के लिए 24 घंटा हाजिर रहते हैं और मुझे पूरा यकीन है जीत तो हमारी पक्की है, पर हम चाहते हैं कि गायकवाड़ की जमानत भी जब्त हो और ये होगा आप देखिएगा, ये जनता सबक सिखाएगी, गायकवाड़ की जमानत भी जब्त होगी और शिवसेना जीत के आएगी। सर क्या कहेंगे राहुल शेवाले जी का, कितना प्रचार में आप जोर दे रहे हैं? राहुल शेवाले के प्रचार में पूरा मतलब दक्षिण मध्य मुंबई तो जुड़ा ही है, धारावी सबसे आगे है और धारावी का वादा है कि सबसे ज़्यादा वोटों से उनको भारी वोटों से यहाँ से जीत के देने का पूरे धारावी करने यहाँ अपने दिल में ठान लिया है और 29 तारीख को वो जो धारावी करने ठान लिया है उसका नतीजा 29 तारीख को अपने को सबको देखने को मिलेगा। और भी लोग हैं यहाँ पर, सर क्या कहेंगे धारावी के रहने वाले? सर आपने राहुल शेवाले साहब अभी धारावी के लिए बहुत कुछ करे और आगे भी करेंगे। गायकवाड़ उसको चलने की ताकत नहीं है और सावाले हमारा यंग खासदार है, अच्छे तरह से काम कर रहे हैं धारावी में। शेवाले साहब स्मार्ट, शेवाले साहब उनको ही मत करेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, छोटे हो या बड़े हो सबके दिल में बस गए हैं, उन्हें दिल्ली से गिल्ली गली तक उन्होंने अच्छा काम किया है, इससे सबका मत उनको ही जाने वाला है और वो 100% जून के आने वाले हैं, ये हमारा वादा है। जी बिल्कुल, सभी ने यहाँ पर दावा किया है कि धारावी हो या कहीं का भी जो जगह है राहुल शेवाले के क्षेत्र में पड़ता है, हर जगह से बड़े मोहब्बत के साथ में राहुल शेवाले को इस बार जीत दिलाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुप्रिया के साथ प्रेमलता मौर्य, आवाज़ नेशनल न्यूज़ मुंबई।